हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एग्ज़ाम रिव्यू इंडिया। तो आज हम शॉर्ट में RPF SI का एग्ज़ाम रिव्यू और कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। पहले आप समझ लेते हैं RPF एग्ज़ाम में जो वैकेंसीज थे, जो टोटल वैकेंसीज थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हम सिर्फ SI एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। ये टोटल A से F तक जोन्स हैं, जो साउथ, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ, नॉर्थ फ्रंट एंड अदर जोन्स हैं। तो ये टोटल मेल में जो वैकेंसीज है वो 819 है, टोटल 800, यहाँ आप देख सकते हैं 819 वैकेंसीज हैं, और फीमेल में 301 वैकेंसीज है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न ईस्ट कोस्ट साउथ ईस्टर्न रेलवे, जो ईस्टर्न पार्ट है, जो थोड़ा पार्ट बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का मिला के बनता है, उस जोन में 287 मेल का और 112 फीमेल का है। ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं यहाँ पे। बाकी नॉर्थ साउथ की तरफ जो वैकेंसीज है वो लगभग इसके आधा के आसपास है। तो अभी हम चलते हैं इसके एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो RPF एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 120 के आए थे, और टाइम था 90 मिनट का। GK 50 क्वेश्चन आए थे जो मॉडरेट थे, और जो ड्यूएबल थे लगभग 35 तक आप ड्यूएबल बोल सकते हैं, और रीजनिंग इजी थे, मैथमेटिक्स भी पूरे इजी थे। और ये वैकेंसीज हैं टोटल। और अभी हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। कट ऑफ तो हर जोन में अलग अलग कट ऑफ जाएगा, फिर भी हम एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। जैसे अनरिजर्व्ड में जो कट ऑफ जाएगा, जो एवरेज बच्चे हैं, वो लगभग 90 से 95 तक अटेम्प्ट्स किए हैं, और एक्यूरेसी लेवल लगभग हम 90 मान के चल सकते हैं। जो एक्यूरेसी लेवल है उनका, तो 90 मान के अगर चलेंगे तो, और क्योंकि वैकेंसीज 1100 से ऊपर है, तो टोटल वो जो लेंगे 10 टाइम्स लेंगे जो फिज़िकल के लिए, तो ये बन जाएगा आपका लगभग 11000 प्लस लोग फिज़िकल के लिए जाएंगे और मेडिकल के लिए। तो अभी हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ कितना जाएगा। ये आपका जाएगा 82 से 85, एज़ पर मेरा एनालिसिस जो है 82 से 85 तक जाएगा। और ईस्टर्न जोन में जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है वहाँ थोड़ा 80 तक भी जा सकता है, बट बाकी जोन में वैकेंसीज काफ़ी कम है, तो कट ऑफ लगभग 85 के करीब रहेगा। और OBC में 80 से 82, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा OBC और अनरिजर्व्ड में। SC में 75, ST में 70 और एक्स सर्विस मैन में 70 से 75 के बीच रहेगा। अगेन मैं बात करना चाहूँगा कि ईस्टर्न जोन में जिसमें जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो वहाँ कट ऑफ 2 मार्क नीचे रह सकता है, 2 से 3 मार्क, और बाकी एरियाज़ में 2-3 मार्क ऊपर रहेगा। तो आप ये जो अपर है वो ईस्टर्न जोन को छोड़ के बाकी एरिया के लिए आप अपर वाला ले सकते हैं बैंड, और ईस्टर्न जोन के लिए लोअर वाला बैंड ले सकते हैं। और सेम ये जो है फीमेल के लिए है, फीमेल में लगभग 80 के आसपास जाएगा अनरिजर्व्ड में, OBC में 78, SC में 72 और ST में 65। जो फीमेल में है ST में, इस और भी 2-4 पॉइंट नीचे जा सकता है, क्योंकि उतने इंटरेस्टेड कैंडिडेट भी होने चाहिए इसमें आने के लिए, और फिजिकली भी फिट होनी चाहिए। ये सब को देखते हुए यहाँ थोड़ा सा आपका फ़र्क लग सकता है, हो सकता है थोड़ा और फ़र्क पड़े, तो ये 70 और 65 यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। सो एक्स सर्विस मैन में फीमेल कैटेगरीज में चांसेस कम है, तो ये स्विच हो जाएगा एक्स सर्विस मैन में, जो मेल कैटेगरी के लिए सारे वैकेंसीज। सो थैंक यू, स्टे ट्यून टू योर चैनल एग्ज़ाम रिव्यू। मैं फिर आऊँगा और कुछ एनालिसिस और कुछ अलग स्टडी मटेरियल्स के साथ। सो थैंक यू। सो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।